लॉकडाउन को लेकर एयर इंडिया का बड़ा फैसला, आपको बता दें आगामी 30 अप्रैल तक के लिए सभी बुकिंग्स एयर इंडिया ने बंद कर दी है। सभी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग को बंद कर दिया है। लॉकडाउन बढ़ने की अटकलों के चलते ये फैसला लिया गया। कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद सरकार के निर्णय का यहाँ पर इंतजार एयर इंडिया करने वाली है। 14 अप्रैल है लॉकडाउन की अंतिम तारीख जो अभी तक सरकार के द्वारा बताई गई है। एयर इंडिया ने यहां बड़ा फैसला लिया। 30 अप्रैल तक के लिए सभी बुकिंग्स को बंद कर दिया गया। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर यहां पर बंदी का फैसला लगाते हुए आगामी 30 अप्रैल तक के लिए एयर इंडिया ने यह फैसला लिया है। यद्यपि अभी तक 14 अप्रैल को लॉकडाउन का अंतिम दिन बताया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन आगे जो अटकलें देखने को मिल रही है और जिस प्रकार से यहां पर कोरोना संक्रमितों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता ऋषभ पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभ, एक बड़ा स्टेप यहां पर एयर इंडिया ने लिया। आगामी 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन था, लेकिन 30 अप्रैल तक के लिए तमाम अटकलों को देखते हुए से एयर इंडिया ने फैसला लेते हुए अपनी उड़ानों को यहां रद्द कर दिया है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते बीते 24 मार्च से पूरे देश भर में लॉकडाउन है, जिसके बाद से आवागमन की सभी सुविधाएं, चाहे वो ट्रेन हो, फ्लाइट हो, बस, मेट्रो, टैक्सी समेत सभी को बंद कर दिया गया था। लेकिन बीते कुछ दिनों से कोरोना का संक्रमण जो तेजी से बढ़ रहा था, उसके चलते लॉकडाउन की जो डेट है उसको आगे बढ़ाने की अटकलें चल रही थी। हालांकि सरकार ने इसको सिरे से नकार दिया था, जिसके बाद अब जो सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने है फिलहाल के लिए 30 अप्रैल तक सभी इंटरनेशनल डोमेस्टिक फ्लाइट की टिकट बुकिंग को बंद कर दिया है। कंपनी का साफ तौर पर कहना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद सरकार का जो निर्णय होगा हम उसका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि जो सिविल एविएशन सचिव प्रदीप सिंह खरेला है, उन्होंने बृहस्पतिवार को ही विमानन कंपनियों को 14 अप्रैल के बाद की सभी तारीख के लिए बुकिंग शुरू करने की जो स्वतंत्र कर दिया था। उसके बाद एयर इंडिया का जो ये फैसला है ये काफी अटकलें पैदा कर रहा है। ऋषभ, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि एक स्वतंत्र फैसला आप बता रहे हैं इसे एयर इंडिया की तरफ से लिया गया है, तो क्या कहा जा सकता है कि आगामी जो अन्य कंपनीज है इनके द्वारा भी ऐसा फैसला लिया जा सकेगा? क्योंकि गलियारों में तो ये खबर है कि लॉकडाउन का कुछ असर यहाँ पर मिला जुला देखने को मिल सकता है, बढ़ सकती है डेट आगे। नहीं, स्वतंत्र फैसला एयर इंडिया का नहीं है जयती, ये जो स्वतंत्र फैसला था ये प्रदीप सिंह खरेला जो एविएशन सचिव हैं, सिविल एविएशन सचिव हैं, उन्होंने जो विमानन कंपनियां हैं उनको दिया था कि 14 अप्रैल के बाद वो किसी भी तारीख के लिए जो बुकिंग है वो शुरू कर सकते हैं। हालांकि यदि प्राइवेट कंपनीज की बात करी जाए तो जो विस्तारा एयरलाइंस है उसने साफ तौर पर कहा है कि वो 15 अप्रैल के बाद से बुकिंग स्वीकार करेगी, क्योंकि जो कंपनी के प्रवक्ता है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यदि मंत्रालय की तरफ से कोई नया निर्देश आता है तो हम उस पर अमल करेंगे। जी जयती, जी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद ऋषभ। एक बार आपको फिर से बता दें यहाँ पर पूरे देश में इस वक्त कोरोना का जो संकट है उसको देखते हुए एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लिया। आगामी 30 अप्रैल तक के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय उड़ानों को यहाँ पर रद्द कर दिया है। घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय और अन्य उड़ानों की बुकिंग यहाँ पर बंद कर दी गई है 30 अप्रैल तक के लिए।